नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निक क्लासेस पर। आज से हम प्लस वन क्लास नॉन मेडिकल एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, तो जो बच्चे प्लस वन मेडिकल और नॉन मेडिकल में अभी अपने आपको एडमिट यानी कि एडमिशन कराएंगे, उन बच्चों के लिए एक्ने क्लासेस पे आज से ही आप एडमिशन स्टार्ट। तो आप आज से ही अपनी वीडियो रेगुलर दिया हमारे साथ रहिए। हम इसी एक्ने क्लासेस पर पूरी फिजिक्स एंड कंप्लीट केमिस्ट्री विद ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स एट ऑल आपके सामने रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्लस वन क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि जो प्लस वन क्लास में केमिस्ट्री की शुरुआत है प्यारे बच्चों, वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स से। प्यारे बच्चों, अभी तक टेंथ क्लास में आप थे और वहां आपने साइंस पढ़ी, और उसी साइंस में प्यारे बच्चों थ्री स्ट्रीम्स डिवाइड हुई। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो साइंस है वो वैसे तो बहुत ब्रांचेज है, पर मेनली थ्री ब्रांचेज में डिवाइड की गई। फर्स्ट इज केमिस्ट्री, सेकंड फिजिक्स एंड थर्ड इज बायो। यानी कि बेसिकली साइंस मैटर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जहां तक बायोलॉजी का सवाल है प्यारे बच्चों, ये मेडिकल स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए होती है। नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स बच्चों के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होता है। तो प्यारे बच्चों, जो बायोलॉजी होती है वो साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम डील करते हैं स्टडी को लिविंग थिंग्स की। यानी कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जहां तक प्यारे बच्चों बात है केमिस्ट्री और फिजिक्स की, फिजिक्स में प्यारे बच्चों नेचर को रीड किया जाता है, नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना, like how sun revolve, earth revolve around the sun, what is the gravitational force, light, electricity, these all are buried in physics. yani what is physics? study of natural phenomena and the nature. finally what is the chemistry? it is the branch of the science which deals with the study of matter. yani ki pyare bachcho, द स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। यानी कि प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान, विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हमें पदार्थ के बारे में यानी कि मैटर के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट इज मैटर, हाउ द कंपोजिशन टेक्स प्लेस एट ऑल। यानी कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। प्यारे बच्चों, जहां तक बात केमिस्ट्री की है, फिजिक्स से समहाउ डिफिकल्ट होती है। केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करना इजी होता है, केमिस्ट्री को थोड़ा सा टेंटेटिव होकर आपको समझना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने पहली वीडियो है एक्ने क्लासेस की तरफ से प्लस वन की केमिस्ट्री का लेक्चर है। आपको इसी लेक्चर से यदि केमिस्ट्री समझनी है तो टेंटेटिव होना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो आपके लिए केमिस्ट्री इजीएस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, शुरुआत के जितने लेक्चरों में बहुत स्लो लेके चलेंगे, हर कंसेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे फिर हम थोड़ी स्पीड पकड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में जितनी भी चीजें समझेंगे उनको मैं बहुत बारीकी से और बहुत ही स्लोली आपको समझाऊंगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। आपके पास प्यारे बच्चों एक
आयरन की रोड है, एक सिल्वर की रोड है और एक गोल्ड। प्यारे बच्चों, यदि मैं एक टर्म फिजिक्स जाऊं जो कि एक्सटर्नल चीजों को पढ़ती है, तो ये तीन की तीन चीज बेटा सॉलिड है। ऑल दीज थ्री आर सॉलिड। अब हाउ आयरन इज डिफर फ्रॉम सिल्वर एंड सिल्वर इज डिफर फ्रॉम गोल्ड, दैट्स द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपके सामने ये तीनों चीजें यदि मैं लाकर रख दूं तो आप कहोगे कि ये तीनों तो सॉलिड है, मेटल थ्री टाइप सॉलिड लिक्विड एंड गैस, हमने कहा तीनों चीज सॉलिड है, बट हाउ आयरन इज डिफर फ्रॉम सिल्वर एंड सिल्वर इज डिफर फ्रॉम गोल्ड, दिस आंसर इज गिवन बाय द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको बताएगी क्यों आयरन आयरन है, क्यों सिल्वर सिल्वर है और क्यों गोल्ड गोल्ड है। यानी कि प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री आपको इस चीज की स्टडी करके देता है कि कोई मैटर आखिर बनता कैसे है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका जो ओरिजिन है वो कैसा है। यानी कि आयरन जब आयरन बना, गोल्ड जब गोल्ड बना, तो उन दोनों के स्ट्रक्चर में या उन दोनों के बनने की संरचना में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि गोल्ड गोल्ड बना और आयरन आयरन बना। इट मींस केमिस्ट्री इज द इंटरनल स्टडी, ये चीजों को अंदर से पढ़ने की स्टडी है। इसमें आप, आई एम गोइंग टू गिविंग वन मोर एग्जांपल, वाटर, ऑयल एंड जूस, ऑल दीज आर लिक्विड, बट व्हाई मिल्क इज मिल्क, व्हाई वाटर इज वाटर, मींस इंटरनल स्ट्रक्चर यू हैव टू रीड। आपको उनका इंटरनल ओरिजिन पढ़ना पड़ेगा। CO2 इज अ गैस, O2 इज अ गैस, बट O2 इज एसेंशियल फॉर आवर लिविंग, CO2 इज नॉट मोर एसेंशियल, CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस, बट O2 इज नॉट पॉइजनस। सभी तो गैसेस थी पर O2 पॉइजनस नहीं हुआ, CO पॉइजनस हुआ। इट मींस देयर इज समथिंग डिफर इन देयर कंपोजिशन, उनके बनने की प्रक्रिया में कुछ डिफरेंट है, इसीलिए उन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाई। प्यारे बच्चों, यही कंपोजिशन हमें केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। मींस केमिस्ट्री में हम डिटेल स्टडी करेंगे मैटर के कंपोजिशन की, मैटर के बनने की। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। What is chemistry? The branch of the science which deals with the study of matter and its कंपोजिशन। यानी कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है प्यारे बच्चों जो मैटर को स्टडी करेगी। व्हाट इज मैटर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज मैटर? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपने नाइन्थ क्लास में भी लिया है। मैं एक कड़ी को दूसरी कड़ी से आपके सामने जोड़ता चलूंगा। हमने पहले पढ़ा कि व्हाट इज साइंस, थ्री ब्रांचेस में से हमने केमिस्ट्री को उठाया। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच जो मैटर को स्टडी करती है, उसके कंपोजिशन को स्टडी करती है।
अब स्टडी को आगे बढ़ाते हुए मैटर हमें स्टडी करना है तो हमें यही देखना होगा कि व्हाट इज मैटर, कि आखिर मैटर ही क्या है। तो जो सेकंड आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज मैटर। व्हाट इज मैटर? प्यारे बच्चों, कोई भी वो चीज जो एक डेफिनेट मास रखती हो, जगह घेरती हो और जिसको आप लोग महसूस कर सके, उसे प्यारे बच्चों मैटर बोलते हैं। तो व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर? तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज केमिस्ट्री? दिस इज कंप्लीट स्टडी ऑफ मैटर। नाउ व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है? प्यारे बच्चों, कोई भी वो वस्तु या कोई भी थिंग्स जो आपके चारों तरफ मौजूद है, वो स्थान घेरती हो, उसका कुछ मास हो और उसको महसूस किया जा सकता हो, प्यारे बच्चों, उसे मैटर बोलते हैं। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी सेंस ऑर्गन। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में हैं, व्हाट इज मास, व्हाट इज मास, कंफ्यूज मत होना। नाइन्थ क्लास में उन्होंने बहुत अच्छे तरह रीड किया है फिजिक्स में, उन्हें पता है मास इज डिफर फ्रॉम वेट, वेट वजन होता है प्यारे बच्चों, और मास द्रव्यमान होता है। मास आपकी धारिता है, मास आपका अपना गुण है, और जो वेट है वो प्लेनेट का गुण भी हो सकता है। मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, पर आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए समझा रहा हूं। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। यदि मैं अर्थ पे भी 60 केजी हूं तो मून पे भी 60 केजी ही रहूंगा, बट मेरा जो वेट है वो मून पे बदल सकता है। तो वेट को मास के साथ जोड़कर कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों। मास द्रव्यमान होता है, मास आपकी एग्जिस्टेंस को बताता है कि आप जहां एग्जिस्ट करते हो वहां आपका कितना इफेक्ट है, कितना आपका मास है। तो मैटर इज व्हाट व्हिच हैज मास, एनीथिंग व्हिच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट, जिसको महसूस किया जा सकता हो, जो मास रखता हो और जो स्थान घेरता हो, उसे प्यारे बच्चों मैटर बोलते हैं। कॉपी पैड लेके बैठेंगे सभी बच्चे, और जो ये बोर्ड पे कुछ डेफिनेशंस मैंने आपके लिए लिखी हैं वो आप वन बाय वन उतारेंगे भी। जब चैप्टर पूरा होगा तब तक हम आपके लिए पीडीएफ रेडी कर सकते हैं इस चैप्टर की, तो भी होगी। पर बेटा डेली भी आपको रफली कॉपी पैड लेके क्लास में होना चाहिए, ताकि जो चीज यहाँ आपके सामने लिखी जाए वो आप उतार सको, और जैसे ही लेक्चर खत्म हो तो आप उसको रीड कर सको। चैप्टर जैसे ही पूरा होगा प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स की हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। पर फिर भी आपने रोज कॉपी पेन लेके बैठना है। तो केमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ द मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट। एग्जांपल्स धीरे धीरे मैं लेवल इंक्रीज करूंगा। अराउंड यू एयर अ मैटर, हवा शायद पदार्थ की श्रेणी में आ सकती है, स्थान भी घेरती है, उसका मास भी होता है और उसको आप महसूस भी कर सकते हो। बिक यानी कि ईंट शायद मैटर है। चेयर्स, ये बोर्ड, फोन, टीवी, ऑल थिंग्स इज मैटर। हम भी क्या है, मैटर है, हमारा द्रव्यमान भी है, हम स्थान भी घेरते हैं और हमें महसूस भी किया जा सकता है। ऑल दीज आर मैटर, ये सभी मैटर की श्रेणी में आते हैं। प्यार हो चुका बेटा, वन क्वेश्चन मैं अराइज करूंगा आपसे, थोड़ी देर में रुकूंगा ताकि आप सोच लो, उसके बाद मैं ही आंसर दूंगा, आप मैच कर लेंगे आपका आंसर और मेरा ही जैसा या नहीं। प्यार हो चुका, जब हमने ब्रीथिंग किया, जब हमने ब्रेथ किया तो हमने सांस अंदर ली, एक्सहेल किया या फिर इनहेल किया, तो जो O2 या CO2 इनसाइड या आउटसाइड हुए, आपकी नजर में क्या वो मैटर है? इज दिस मैटर? प्यारे बच्चों,
दीज आर एग्जैक्टली मैटर, क्योंकि कोई भी गैस हो उसका खुद का एक मास होता है। आपको लगता होगा कि वो स्थान नहीं गिरते पर आप उसको महसूस कर सकते हो, और प्यारे बच्चों वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। कोई भी गैस हो, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी सॉलिड हो, वो सभी मैटर में आते हैं। प्यारे बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन और रेज करता हूं इसी बारे में। सन से आने वाली जो सनलाइट है प्यारे बच्चों, क्या वो मैटर है? द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज मैटर और नॉट? प्यारे बच्चों बहुत से बच्चों ने शायद क्वेश्चन का आंसर अभी सोचा ना हो, और सोच भी लिया हो तो मैच कर दो। प्यारे बच्चों सनलाइट इज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं होती। सनलाइट आपको लगता है स्थान घेरती है, मुझे भी लगता है, उसको महसूस किया जा सकता है, चलो मान लेते हैं, बट उसका जो मास है वो है या नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। एग्जिस्टेंस उसके मास में है या नहीं है, आप जितना नॉन मेडिकल या मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री हायर क्लासेस में पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कितना डिटेल में स्टडी करना है कि सनलाइट मास रखती है या नहीं रखती। प्यारे बच्चों सनलाइट रेडिएशन है, एक तरंग है, और प्यारे बच्चों ये पूरी यूनिवर्स केवल दो ही चीज से मिलकर बनी है। या तो इस पूरे ब्रह्मांड में बेटा कोई चीज मैटर यानी कि पदार्थ होता है, या फिर वो रेडिएशन यानी कि एनर्जी होता है। कोई भी तरंग हो प्यारे बच्चों उसमें एनर्जी जरूर होती है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में या तो आपके चारों तरफ मिलने वाली चीज मैटर होगी या आपके चारों तरफ मिलने वाली चीज रेडिएशन यानी कि एनर्जी होगी। और ये पूरे यूनिवर्स के अंदर मैटर कभी एनर्जी में और एनर्जी कभी मैटर में कन्वर्ट होती रहती है प्यारे बच्चों। इसका मतलब प्यारे बच्चों सनलाइट कोई भी कलर जो आप देखते हो अपने चारों तरफ, आपके घरों में सीएफएल, आपके टीवी की स्क्रीन से आने वाली जो रेजेस हैं, जो आपके तरफ कलर्स आते हैं प्यारे बच्चों, वो मैटर नहीं होते। दीज ऑल आर नॉट मैटर। इट मींस कोई भी वेव जो चली वो शायद मैटर ना हो। शायद मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं क्वेश्चन और आपके सामने रखूंगा। मैंने बोला सन से आने वाली रेडिएशन मे बी नॉट मैटर, एग्जैक्टली नॉट मैटर। बट प्यारे बच्चों जो वॉटर, ये कोई पॉन्ड है, उस पॉन्ड में आपने कोई बट्टा या आपने कोई कंकड़ या आपने कोई बबल डाला तो वो रेडिएशन रेज करता है, वो तरंगे चलती है। क्या प्यारे बच्चों ये मैटर है? क्या ये वेव्स मैटर होंगी जो कुछ देर के बाद खुद को समाप्त कर लेंगी? प्यारे बच्चों ये मैटर होंगी क्योंकि ये वेव्स वाटर को ही कभी अप और कभी डाउन कर रही है, ये वाटर की ही वेव है, उनमें मैटर ट्रेवल करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सन से आने वाले रेडिएशन के साथ सन क्यों नहीं अर्थ पे आता? या फिर आपने कभी सोचा है कि सीएफएल से जो लाइट आती है क्या सीएफएल आपके पास आती है? इट मींस वहां से रेडिएशन सोर्स को छोड़ के चल रही है प्यारे बच्चों, वे स्रोतों को छोड़ चुकी है, वो वही है और रेडिएशन अब तक आ रही है। ये ध्यान रखिएगा ऐसी कोई रेडिएशन है प्यारे बच्चों वो मैटर नहीं होगी। पर यदि कोई रेडिएशन विद द सोर्स चल रही है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वॉटर के अंदर जो वेव उठी वो मैटर होगी क्योंकि वो सोर्स के साथ मूव करती है। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि मैटर का कंसेप्ट आपकी समझ में अच्छी तरह आया होगा। वॉट इज मैटर? Things which occupy space has mass can be felt by any sense organ. उसे प्यारे बच्चों मैटर बोलते हैं। मैटर और रेडिएशन दो ही चीजें हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को बनाती हैं। प्यारे बच्चों what is the difference between matter and the material? केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आपको शायद बुक में कहीं ना भी मिले, बट मैं आपसे पुट अप कर लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड द मटेरियल? मैटर में और मटेरियल में क्या फर्क है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों आपने घरों में देखा होगा कि जब हम घर बनाते हैं तो
बिल्डिंग मटेरियल्स सीमेंट रेत बजरी लेके आते हैं उसको बिल्डिंग मटेरियल्स बोलते हैं। आपके सामने बुक होती है वो जो बुक ईटीसी होती है उसको स्टडी मटेरियल्स बोलते हैं। तो उसको स्टडी मटेरियल क्यों नहीं बोलते या फिर वो बिल्डिंग मटेरियल क्यों नहीं बोलते, वो मटेरियल क्यों कहा जाता है? प्यारे बच्चों, जो मैटर यूजफुल होता है यानी कि जो मैटर हमारे लिए जरूरी होता है वो मटेरियल होता है। अपने घरों में सफाई की, जितना भी वेस्टेज जितना भी कूड़ा करकट बना बेटा आपने उसको उठा के बाहर डाल दिया, क्या वो स्थान नहीं रहता? क्या उसका मास नहीं है? क्या आप उसे फील नहीं कर सकते? कर सकते, वो मैटर है, वो मैटर है, पर वो मैटर मैटीरियल नहीं है। जो मैटर यूजफुल हो प्यारे बच्चों उसे मैटीरियल बोलते हैं। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड द मैटीरियल। अभी तक हम आए व्हाट इज केमिस्ट्री, मैंने पहले कहा था कि आज मैं बहुत स्लोली पढ़ाऊंगा, जो बच्चे शायद कुछ साफ माइंड रखते हैं उन्हें लगता होगा कि सब बोर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपका पहला लेक्चर है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपको ऐसा ना लगे कि केमिस्ट्री बोझ है। दिस इज वेरी इजी इफ यू आर टेंटेटिव टुवर्ड्स द क्लासेस। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। What is matter? Anything which has mass, occupies space and can be felt by any sensor. प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में थोड़ा सा आगे चले और कड़ी को जोड़े तो नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि आप मैटर को कैसे क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई करना है प्यारे बच्चों। मैटर का बेटा क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो वो दो वेज में होता है, एक बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड केमिकल क्लासिफिकेशन। One is physical classification and second is chemical classification. प्यारे बच्चों, मैं थोड़ी देर पहले भी आपके सामने एग्जाम्पल रखा था कि आयरन सिल्वर एंड गोल्ड ऑल दीज थ्री आर सॉलिड्स बट वन इज डिफर फ्रॉम अदर। प्यारे बच्चों, मैटर को देखने के बाद केवल उसके ऊपर नजर डालने के बाद मैटर फिजिकली क्लासीफाई किया जाता है, उसकी स्टेट कैसी है, वो देखने में सॉलिड है या वो देखने में लिक्विड है या वो देखने में गैस है, या वो ठोस है या वो द्रव्य है या फिर वो गैस है। मैटर को अपने पहली बार देखा मैंने, आइस को देखा मैंने, बोला सॉलिड, आइस मेल्ट हो गया बेटा है तो वाटर, मैटर तो अभी भी है बट इट इज लिक्विड। उसको मैंने हीट किया वो वैपोरेट हो गया प्यारे बच्चों, वेपर में कन्वर्ट हो गया, है तो अभी भी मैटर ही बट वो क्या है, गैस। तो प्यारे बच्चों, जो उसकी अवस्था होती है उसको देखने से पता लगता है वो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है, यानी कि फिजिकली क्लासिफिकेशन के बेस पे आपका जो मैटर है प्यारे बच्चों वो मेनली थ्री टाइप्स का होता है। क्लास में जाओगे तो ये दो स्टेट एक्सपायर्ड है पर आपको तीन ही पढ़नी है। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। यानी कि प्यारे बच्चों, मैटर को यदि मैं फिजिकली क्लासिफाई करूं वो लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में कन्वर्ट होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें बाद में, पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉलिड, ये तीनों स्टेट मैटर की
नाइन्थ क्लास में भी आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है पहले चैप्टर में मैटर अराउंड अस। प्यारे बच्चों, इन तीनों को जब हम एक दूसरे से अलग करते हैं तो हमारे पास बेसिक दो चीज होती है, वन इज वॉल्यूम एंड सेकेंड इज शेप, आयतन और आकृति। प्यारे बच्चों, आयतन क्या है? आपने मैथ्स में भी पढ़ा टेंथ क्लास में, आयतन धारिता यानी कि आपका कितना आकार है, आप कैसे हो, क्यूबाइड हो, क्यूब हो, सिलेंड्रिकल हो, क्लोनिकल हो, यानी कि आपकी आकृति कैसी है, सॉरी आपका आयतन कैसा है। वॉल्यूम इज आयतन, आपकी धारिता, आपके अंदर कितनी चीज समा सकती है। एक ग्लास का वॉल्यूम कुछ और होगा प्यारे बच्चों, जग का वॉल्यूम कुछ और होगा, अंडरस्टैंड। वॉल्यूम इज धारिता यानी कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी। और स्पेस शेप प्यारे बच्चों आकृति, कि आप दिखते कैसे हो। तो सॉलिड लिक्विड और गैस को जब प्यारे बच्चों एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जाता है तो इन दो ही मेनली आधार पे क्या जाता है, सॉलिड डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल एज डेफिनेट शेप रखता है। यानी कि सॉलिड के अंदर वॉल्यूम भी डेफिनेट है और शेप भी डेफिनेट है। एक जो ईंट है प्यारे बच्चों, उसकी शेप भी निश्चित है और उस ईंट को आप उसी स्थान पर रख सकते हो जो उसके लिए योग्य हो। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, ये डेफिनेट सॉलिड है, ये डेफिनेट सॉलिड है। अब यदि इस चीज को प्यारे बच्चों मैं कहीं रखना चाहूंगा तो मुझे इतना वॉल्यूम देखना पड़ेगा, ये उसी में रखा जा सकता प्यारे बच्चों, उससे अलग ये नहीं आ सकता। एक बुक है, यदि आप उसे किसी पर्टिकुलर या बैग में रखना चाहते हो तो बैग में अपना कंप्लीट स्थान घेरती है। तो सॉलिड क्या प्यारे बच्चों, हैव द डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, जिसकी एक निश्चित आकृति और एक निश्चित आयतन हो प्यारे बच्चों, वो फिजिकल स्टेट सॉलिड कहलाएगी। मैटर की वो फिजिकल स्टेट जिसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप हो सॉलिड कहलाता है। जहां तक बात है प्यारे बच्चों लिक्विड की, डेफिनेट वॉल्यूम तो प्यारे बच्चों होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होती। यानी कि प्यारे बच्चों, मैटर की वो स्टेट जिसका एक निश्चित आयतन तो है पर एक निश्चित आकृति नहीं है, उसे आप लिक्विड बोलोगे। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो प्यारे बच्चों, एक बाल्टी पानी प्यारे बच्चों, यदि उस बाल्टी पानी को आप टब में डालोगे तो उसकी शेप बदल जाएगी, पर वाटर एक बाल्टी रहेगा प्यारे बच्चों, वो बढ़ने वाला नहीं है, उसकी शेप बदल चुकी है पर उसका वॉल्यूम नहीं बदला। उसी एक बाल्टी पानी को आप फ्लोर पे डाल दो, वो वहां तक चला जाएगा जहां तक उसे स्पेस मिलेगा, पर प्यारे बच्चों वो वॉटर एक बाल्टी ही रहना है। बाढ़ कब आती है प्यारे बच्चों, जब किसी भी नदी में पानी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब नदी जब नालों की तरफ गई तो उसी वाटर ने नाले का शेप लिया, पर पानी उतना ही रहा जितना था। इसका मतलब वाटर की एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है प्यारे बच्चों, पर एक डेफिनेट शेप नहीं होती, वो उसी कंटेनर की शेप लेता है जिसमें उसे डाला जाता है। थर्ड इज गैस, प्यारे बच्चों नाइदर द डेफिनेट वॉल्यूम और नॉर द डेफिनेट शेप। गैसेस के अंदर ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता और ना ही डेफिनेट शेप होता। इसको प्यारे बच्चों आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, आपके घरों में वाटर को स्टोर करने के लिए कुछ टंकियां रखी होती है। सपोज करो प्यारे बच्चों कि उस टंकी के ऊपर हमने कोई होल बनाया जिससे उस वाटर को मैं बाहर लेके आऊं। मैं कुछ आइडियोलॉजी आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज, सपोज करो प्यारे बच्चों इसमें वाटर का लेवल यहां तक है और जो आपने होल लगाया प्यारे बच्चों वो यहां है। यदि वाटर यहां तक होगा तो आपको बाहर पानी पिएगा, पर जैसे इस लेवल से नीचे वाटर जाएगा तो पानी बाहर अपने आप नहीं आएगा। मींस उसका वॉल्यूम डेफिनेट है, वो पूरे वॉल्यूम को अपने आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। मैं आपको वाकई क्लियर एग्जाम्पल देता हूं। आपके घरों में गैस का सिलेंडर है प्यारे बच्चों, उसमें जब आप उसको
फिलअप करा के लाते हो, रिफिल करा के लाते हो, प्यारे बच्चों फुल है, उसके अंदर 15 केजी के आसपास गैस है और उसका जो नोजल है वो बिल्कुल ऊपर होता है, वो यहां मौजूद होता है प्यारे बच्चों। और जब आप उसके अंदर से गैस को इस्तेमाल करते हो तो बट इस्तेमाल होती है, पर धीरे धीरे उसके अंदर की गैस खत्म होगी। पहले तो लेवल में मानता हूं कि यहां तक था, पर जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों गैस का लेवल तो यहां तक भी गया, पर आपके लिए तो गैस फिर भी प्रोवाइड हो रही है। मींस वो वाटर की तरह बिहेव नहीं करती कि पर्टिकुलर नोजल के नीचे पानी गया तो आपको पानी मिला ही नहीं, पर जो गैस है बेटा चाहे वो लोअर लेवल तक चली जाए, आपके सिलेंडर में चाहे 1 ग्राम गैस हो प्यारे बच्चों, वो आपके नोजल से आउट होके आएगी। मींस गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, उसको जितना स्पेस मिलेगा वो उसको फिलअप करती चली जाएगी। प्यारे बच्चों आई लाइक होगा वेरी मच, आप भी शायद पसंद करते होंगे। यदि आपके पड़ोस में किसी के घर बना हुआ ताजा हलवा वो एकदम उसको बनाया गया है तो उसकी जो सुगंध है वो उनके घर से आपके घर तक पहुंच जाती है और आप कहते हो कि यहाँ तो पड़ोस में कुछ अच्छा बना है। कैसे? बिकॉज उसकी जो फ्रीग्रेंस है बेटा वो एयर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके उसने स्थान तक फैल गई जितना स्थान उसके लिए अवेलेबल था। स्मोक ना जाने कहां से उठता है और हम कहते हैं दूर कहीं आग लगी है, क्योंकि स्मोक के जो पार्टिकल्स है वो गैस में है और वो उतने स्पेस को घेर जाएंगे जितना उसे अवेलेबल होगा। मींस बेटा गैस का ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता और ना ही कोई डेफिनेट शेप होती, वो शेप भी उसी कंटेनर की लेगा जिसमें आप उसे डालोगे, और प्यारे बच्चों वो वॉल्यूम भी उतना ही ले लेगा जितना उसके पास अवेलेबल होगा। तो प्यारे बच्चों सॉलिड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है, पर लिक्विड के अंदर प्यारे बच्चों केवल डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप नहीं होती। और गैसेस के अंदर प्यारे बच्चों ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती। ये आज की क्लास आपके लिए प्लस वन केमिस्ट्री थोड़ा सा रिकैप कर दो चलते चलते। हमने पढ़ा व्हाट इज केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। फिर हमने पढ़ा बेटा व्हाट इज मैटर, इट इज डिफाइंड एज द थिंग्स व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी सेंस ऑर्गन। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने उसका फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकली मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस में डिवाइडेड है बेटा। सॉलिड हैव द डेफिनेट वॉल्यूम एंड द डेफिनेट शेप, बट लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम नॉट द डेफिनेट शेप, गैस हैज नाइदर द डेफिनेट वॉल्यूम नॉट द डेफिनेट शेप। प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आप इस क्लास को बड़ी अच्छी तरह से देखोगे। मेरी एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, एक क्लास की अंडरस्टैंडिंग या उस क्लास को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए ये आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। मैं इस लेक्चर को जब कल आपके सामने लेके आऊंगा तो इन चीजों को एक बार और थोड़ा सा स्पीड में रिकवर जरूर कराऊंगा, पर होपलेस मत होना, ये मत समझना कि आप केमिस्ट्री रीड नहीं कर सकते। मैंने बहुत ईजी समझाया, बड़ा आराम से समझाया, यदि फिर भी आपको लगता है कि आज थोड़ा सा कम समझ में आया तो कल एक बार और प्रयास कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि केमिस्ट्री मेरे बस से बाहर है, आई एम हियर फॉर यू, केमिस्ट्री आपके बस में ही होगी। थैंक यू, वेट फॉर द सेकंड क्लास